असल दिस इज़ अक्रम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द मेडिकल माइंड हब एंड टूडेज़ लेक्चर आई वेल बी टीचिंग यू हाउ टू यूज़ ग्लूकोमीटर एट होम आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्लूकोमीटर को आप घर में कैसे यूज़ करते हैं ठीक है ग्लूकोमीटर को हम क्यों यूज़ करते हैं फॉर मईरिंग शुगर लेवल ठीक है यानी ब्लड शुगर लेवल मालूम करने के लिए हम ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं नॉर्मल रेंजेस ऑफ रेंडम ब्लड शुगर इज़ फ्रॉम 80 टू 160 मिलीग्राम पर डी और फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज 70 से लेके 110 मिलीग्राम पर डी है फास्टिंग का मतलब ये है कि 8 से लेके 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया तो जब आप शुगर uh, लेवल चेक करते हैं तो उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं ठीक है थीके? तो ग्लूकोमीटर को यूज़ करने के लिए कैलिब्रेटर की ज़रूरत होती है स्ट्रिप की ब्रेकर की ज़रूरत होती है इसके अलावा होल ब्लड अगर एडिटेट ट्यूब में है हेपरिन है, है तो उससे भी कर सकते हैं और प्रिक के जरिए भी हम शुगर लेवल चेक कर सकते हैं और इसके अलावा ये फाइव सेकेंड लेता है जब हम स्ट्रिप के ऊपर ब्लड डालते हैं तो विद इन फाइव सेकेंड हमें रिज़ल्ट शो हो जाता है अब अगर आ, स्क्रीन पे एल ओ का सिंबल आ जाए एल ओ ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी है तो एल ओ का मतलब ये है कि पेशेंट का शुगर लेवल 20 मिलीग्राम पर डी से कम है जो कि इमरजेंसी है ठीक है और अगर एच वन का सैम्बल स्क्रीन पे आ जाए मतलब आप ब्लड शुगर लेवल किसी पेशेंट का चेक कर रहे हैं और स्क्रीन पे किसी वैल्यू की बजाय जो है एच वन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का शुगर लेवल पाँच मिलीग्राम पर डी से ज़्यादा है ठीक है सिमिलरली अगर ई थ्री का सिंबल आ जाए तो टेस्ट एरर है और अगर ई फोर आ जाए स्क्रीन पे तो इसका मतलब ये है कि ब्लड शुगर जो है फाइव हंड्रेड मिलीग्राम से भी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है मशीन के कैपेसिटी में मतलब मईरेबल रेंज में नहीं है तो मशीन जो है वो उसको मैयर नहीं कर सकता तो ये सैम्बल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो आज प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि घर में आपने ग्लूकोमीटर को कैसे यूज़ करना है कैसे कैलिब्रेट करेंगे और कौन कौन सी जो है ज़रूरी बातें हैं जो आपने याद रखनी है ठीक तो है तो आइए परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली हाउ टू यूज़ ग्लूकोमीटर एट होम सो गाइज आई एम गोना शो यू हाउ टू यूज ग्लूकोमीटर एट होम फॉर चेकिंग ब्लड शुगर लेवल ठीक है ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स के साथ ये कैलिब्रेटर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलिब्रेट द ग्लूकोमीटर इसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं ठीक है ये नंबर और ये नंबर जो यहाँ पे शो हो गया है तो दीज नंबर्स ऑन स्क्रीन एंड कैलिब्रेटर मस्ट मैच ठीक है तो ये मशीन जो है अब कैलिब्रेट हो चुका है इसके बाद हम ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स लाएंगे और स्ट्रिप करेंगे ग्लूकोमीटर के अंदर जब ये ड्रॉप का निशान स्क्रीन पे आ जाए तो इट मींस के दिस ग्लूकोमीटर इज रेडी टू यूज इसके बाद विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल सॉपेड यू हैव टू क्लीन फिंगर ऑफ द पेशेंट प्रिकर के जरिए प्रिक लगाएंगे और फिर जो है हम इस स्ट्रिप को यहाँ ब्लड के साथ टच करेंगे ये वाइट पोर्शन जो स्ट्रिप के ऊपर आप देख सकते हैं तो ब्लड के साथ ये जगह टच करेंगे तो विद इन फाइव सेकेंड यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा ठीक है वन जीरो सेवन तो इट मीन्स द पेशेंट आरबीएस लेवल इज नॉर्मल ठीक है तो ये तरीका है ब्लड शुगर लेवल चेक करने का विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोमीटर एट होम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग